सोनी टीवी के पॉपुलर शो ये मोह मोह के धागे के सभी व्यूअर्स तैयार हो जाइए कहानी में एक रोमांटिक सीक्वेंस देखने के लिए। एक ऐसा एंटरटेनिंग एपिसोड जो कि व्यूअर्स को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। हमने देखा कि किस तरह मुखी और अरु दोनों ही अरु के मायके में हैं, पर लगता है कि अरु के मॉम एंड डैड के बीच कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। वो दोनों अरु और मुखी को घर पे अकेला छोड़ने के लिए, ताकि ये पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय गुजार सके, घर से कुछ न कुछ बहाना कर वहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद अरु के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि मुखी उसके करीब आना चाह रहे हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता। और इसी गलतफहमी के चलते अरु मुखी से दूर रहने की कोशिश करती है। वो जानबूझकर खाने की थाली लेकर काफी घंटों तक वहीं बैठ जाती है और बैठे बैठे टीवी देख रही होती है। उसी समय मुखी वहां अरु के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें सोना है। ये बात सुनकर अरु घबरा जाती है। कुछ देर बाद मुखी कमरे में जाते हैं और अरु को भी वहाँ बुलाते हैं। अरु झिझकते हुए वहाँ जाती है, लेकिन जब वो अपने कमरे को देखती है तो ये दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि अरु के मॉम एंड डैड ने अरु और मुखी के लिए उनके सुहाग रात की सेज सजाई हुई थी। अब ये देख कर अरु और मुखी दोनों ही शॉक्ड हो चुके हैं। कहानी में आगे क्या होता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए और टीवी जगत की अन्य छटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।